रनर लगा देते हैं, पूरा एक कारपेट जैसा बिछा देते हैं। तो अभी वो हट चुके हैं, रेडी हो गए हैं रूफटॉप पे जाने के लिए, और हम लोग के दोस्त लोग भी आ गए हैं, और ये चाबी भी लेने गए हैं नीचे से। पौधे हैं जो पूरे समर में लगे रहेंगे, देखो ये सारे के सारे, ये देखो ना, जैसे हीट के लिए वो चलता है, हीटर चलता है, वो करीबन 6 महीने चलेगा, फिर 6 महीने एसी चलता है, तो आज वो चेंज ओवर हुआ है। लुक एट दिस, लॉन्ग वीकेंड था तो इतना ज्यादा लेजी लेजी फील हो रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो जब कभी भगवान को चढ़ाने का मन करता है, नीचे इतने अच्छे अच्छे फूल है कि पूरा समर अच्छे से सजा दो भगवान जी को। कितना ग्रीनरी हो गई है यहाँ पर, और ये हम लोग का रूफ टॉप एरिया है। यहाँ पर इतनी गर्माहट होने लगी है कि अब एसी भी चालू हो गए हैं घरों में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग। आज यहाँ पर है वेडनेसडे, और 2 दिन से स्वदी, मंडे तो छुट्टी थी, स्वदी कल स्कूल गई थी, तो अभी भी मौसम अच्छा था, आज भी मौसम अच्छा है। हाँ जी बेटा चलो। हाँ यहाँ पे देखो, पीछे देखो कितने अच्छे यहाँ पर पेड़ पूरे ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं, और कल भी बाल बाल सब उड़े जा रहे हैं। कल भी मौसम इतना अच्छा था कि इसको जैकेट नहीं पहना के भेजा था, सिर्फ हल्की वाली जैकेट हाथ में थी। अभी भी मौसम इतना अच्छा है, ये जा रही है रेडी होके। सदी से हाय हाय। हम लोग की कॉलोनी में जो साइड में पौधे वौधे थे ना समर टाइम में, वो लगने वाले थे, वो सब भी लग चुके हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। देखो प्लांटेशन का काम हो गया, छोटे छोटे पौधे हैं जो पूरे समर में लगे रहेंगे, देखो ये सारे के सारे, ये देखो वाओ, ये देखो काम चालू हो गया। यस सो मेनी फ्लावर्स, अभी स्वरी के स्कूल में जो पीछे से इधर से शॉर्टकट जाता था ना, पेड़ इतने बड़े हो गए, इतना ठंडक ठंडक वाली फील आती थी, अब रास्ता ही बंद हो गया, अब लंबे रूट से जाना पड़ेगा। वहाँ पे फेंसिंग लगा दी है, क्योंकि वो जो फेंस था पुराना वाला, वो मुड़ मुड़ के काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा हो गया था, तो उसको बिल्कुल ही रिपेयर कर दिया गया है, तो पुराने शॉर्टकट्स तो सारे बंद हो चुके हैं। लेकिन ये अच्छा है कि अभी यहाँ पर 23 टेम्परेचर में भी थोड़ा थोड़ा गर्मी लग का फील हो रहा है। मैं वही सोच रही हूँ, इंडिया में तो इतनी गर्मी पड़ रही है, जिससे बात हो रही, सब बोल रहे हैं 40 है 45 है टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे अभी थोड़ी सी गर्मी होती है तो ऐसा लगता है कि यार गरम गरम है, और अभी तो हवा भी चलती है, खैर साथ साथ, या कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म, लेकिन अभी तो समर आ चुकी है। अभी थोड़ा सोच रही हूँ मैं घूमते घामते जाऊँ, आई मीन एक पार्क का चक्कर लगा लेती हूँ इधर की तरफ। ये गया पीछे पार्क, और ये है इसका पाथ एरिया, वॉक एरिया, और यहाँ पेड़ों की ठंडी ठंडी छाव में, मतलब पेड़ों की छाव में ठंडी ठंडी हवा लेंगे, बहुत अच्छा लगता है। पीछे से आपको हवा की भी आवाज़ आ रही होगी, पेड़ पूरे देखो सब ग्रीनरी हो गई है चारों तरफ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बाल कभी कभी ऐसे चंपू हो जाते हैं ना, 2 दिन के अंदर इतने ऑयली, देख मेरे को बार बार वीडियो में देख के ऐसा लग रहा है कि कैसे से हो रहा है, कैसे से हो रहा है। अभी मैं एक वॉक करती हूँ, एक राउंड लेती हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद निकलूँगी घर। बट हम लोगों की तरफ वाले जो फुलवारी का काम था ना, बालकनी का, ओ सॉरी, ये जो सोसाइटी के बाहर का, वो सारा काम कल हुआ, और वो सारे पौधे, छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं, लाल और जो सफ़ेद रंग के। तो समर टाइम में जैसे हम स्पेशली, जैसे घर में भी मैं लगा सकती हूँ, समर टाइम 3 से 4 महीने तो अच्छे खासे चलते हैं पौधे, और फूल भी बहुत अच्छे निकलते हैं। तो मेरे पास तो तुलसा जी ही है, मैंने पौधे वगैरह नहीं लिए हैं, तो जब कभी भगवान को चढ़ाने का मन करता है, नीचे इतने अच्छे अच्छे फूल हैं कि पूरा समर अच्छे से सजा दो भगवान जी को, अच्छा लगता है। ये देखिए यही है वो मैपल ट्रीज जिसके बारे में मैं आपको बोल रही थी, यहाँ पे फॉल टाइम में बहुत अच्छे फोटोज़ आते हैं। और अभी ये पूरा घना हो गया, ये बीच का एरिया तो बिल्कुल कवर हो गया, धूप ही नहीं दिख रही है। आज मैंने ना आने के बाद, स्वदी को स्कूल से छोड़कर आने के बाद, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया, जो कि जो उसका बैनर और जितना डेकोरेशन का आइटम है वो सारा क्लीन कर दिया है, तो वो जगह पर रखा है, वो वॉल एकदम खाली हो चुकी है। और बाकी कुछ कुछ सामान था जो 2-3 दिन से, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था तो इतना ज़्यादा लेजी लेजी फील हो रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था,
छोटे मोटे काम नहीं हो पा रहे थे, खाना बनाया, क्लीन कर दिया, झाड़ू हो गया, बाकी सब क्लीनिंग है, बर्तन है, किचन से रिलेटेड जो काम है वो सब हो रहे थे। तो आज वो भी सब क्लीन किया है, सदी को स्कूल भेज के उसके सारे टॉयज एक साथ रखे हैं। बाहर एकदम ग्रीनरी हो गई है, आपको बहुत दिन से नज़ारा नहीं दिखाया, मैं बालकनी मतलब अपने घर से दिखाती हूँ, सब तरफ लाइट ग्रीन कलर, घास देख लो, पेड़ देख लो, हर एक कलर इतना सुंदर लग रहा है, कितना ग्रीनरी हो गई है यहाँ पर। और ये हम लोग का रूफ टॉप एरिया है, और ये पूरा सदी के स्कूल के पास का अलग गार्डन है, पूरा का पूरा ग्रीन। अब तो हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, बिल्कुल समर टाइम स्टार्ट हो चुका है, ठंड का कोई नामो निशानी नहीं है। यहाँ पर इतनी गर्माहट होने लगी है कि अब एसी भी चालू हो गए हैं घरों में, और हम लोगों के यहाँ पर भी बिल्डिंग में जैसे वो चेंज ओवर होता है ना, जैसे हीट के लिए वो चलता है, हीटर चलता है, वो करीबन 6 महीने चलेगा, फिर 6 महीने एसी चलता है, तो आज वो चेंज ओवर हुआ है और इतना अच्छा लग रहा है, एसी की हवा आ रही है। और जितनी गर्माहट जैसे बाहर से होती है ना, क्योंकि अब बालकनी नहीं है और इतना क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होता है, और हर वक्त दरवाज़ा भी खुला नहीं रख सकते हैं, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है कि एसी चलता रहे तो घर ठंडक रहती है, नहीं तो कभी ज़्यादा सफोकेशन होती है तो खिड़की पूरी खोलनी पड़ जाती है और गेट भी खोलना पड़ता है, थोड़ा सा गेट खोल दो तो हवा आती रहती है उससे। यस, पोटैटो फ्राइज, और वो तो खाए नहीं, उन्होंने स्कूल में मिला पास्ता तो वो खा के आई है, बोले कि मम्मा मैंने आज पास्ता खाया है, मैंने कहा ठीक है। आज असल में थोड़ा प्लान हो रहा है, बाहर अच्छी वाली हवा चल रही है, तो मयंक अपना ना अपने मयंक के फ्रेंड है जो मतलब मेरी फ्रेंड है, उनके साथ में शाम के वक्त मतलब फ्रेंड लोगों के साथ में टेनिस खेलते हैं, जैसे टेनिस के रैकेट्स वगैरह ले आए हैं, और हम लोग की तो सोसाइटी के बाहर भी टेनिस कोर्ट है और बहुत बड़े बड़े 4 कोर्ट है, तो आप बुक कर सकते हैं उसके लिए टाइमिंग, और टेनिस रैकेट लेकर आ सकते हैं अपना और खेल सकते हैं। तो अभी हम लोग यही सोच रहे हैं कि समर टाइम में ऑफिस खत्म हो जाया करेगा, तो 5 से 6 बजे के बीच में 1 घंटे के लिए, जैसे ही ऑफिस ओवर हो गया तो करीबन रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और टेनिस भी खेल लिया करेंगे। तो मैं 1-2 बार गए हैं, तो आज भी वही प्लान हो रहा था, बहुत दिन हो गया है, फ्राइडे को मिल पाए थे फ्रेंड्स लोगों से स्वदी की बर्थडे में, तो आज प्लान होगा, देखते हैं। वहाँ रूफ टॉप एरिया में घास है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, बैठ के गप्पे मारेंगे, बच्चों को इंगेज करेंगे, बच्चे लोग वैसे ही दौड़ लगाते हैं, पूरा खुला गार्डन मिल जाता है ना उनको, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो शाम के वक्त की तैयारी हो गई है, बज रहा है अभी 4, खाना वाना बन गया था, आज बनाया था मैंने मसूर की दाल और पत्ता गोभी आलू की सब्जी, थोड़ा चावल बचा हुआ था कल का तो वो भी खाया है, और साथ के साथ स्वदी को जो फ्राइज दिए थे वो तो मैडम ने खाए नहीं है, तो वो भी सब्जी के जैसे यूज हो गया, और वो खाया स्वदी ने आने के बाद। और अभी भी जैसे स्कूल से स्नैक्स का टाइम होता है तो कभी कुछ फ्रूट ले आती है, या फिर पाइनएप्पल कभी मिल जाता है, या चीरोज होते हैं वो मिल जाते हैं, तो उसको इवनिंग टाइम के स्नैक्स में मुझे कुछ बना के देने की जरूरत नहीं है, कभी मन करता है तो वही खा लेती है। अभी मैं चाय बनाने की तैयारी करने वाली हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया ऑफिस खत्म होने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे रूफ टॉप पे, रेडी हो गया है रूफ टॉप पे जाने के लिए, और हम लोग के दोस्त लोग भी आ गए हैं, और ये चाबी भी लेने गए हैं नीचे से, वो जो टेनिस कोर्ट है उसकी चाबी लेनी रहती है, तो वो लेके आएंगे, फिर उसके बाद में सोच रहे हैं चाय ऊपर ही आके पियेंगे, बाहर से बच्चे लोग खेलेंगे, चलो चाबी ले लेते हैं, बच्चे लोग खेलेंगे और मजे करके ऊपर आएंगे फिर। इसको भी हल्की जैकेट बना दी है, नीचे थोड़ी हवा चल रही है, मैं पेड़ वेड़ देख रही थी, तो सोच रहे हैं कि चाय का प्लान दोबारा आके नहीं तो कर लेंगे, बना लेंगे, जो टाइम सोचा था उस टाइम से 1 घंटा लेट हो चुका है, इसीलिए सोचा कि छोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पहले खेलते हैं नीचे अच्छे से, बच्चों को मजे कराते हैं, उसके बाद में ऊपर आके चाय नाश्ता करेंगे। लिफ्ट में ये नीचे का देखो अब टाइल दिख रहा है, पहले विंटर टाइम में स्नो रहती है ना, तो विंटर रनर लगा देते हैं, पूरा एक कारपेट जैसा बिछा देते हैं, तो अभी वो हट चुके हैं क्योंकि अब तो समर आ गई है। शेक हैंड सादी, ओहो साथ से कर रही है ये, कब दोस्ती कब लड़ाई इनकी दोनों की। उसको हाथ नहीं बनाने आ रहा, लेकिन हाथ से देखो बस लड़ लड़की है, नाटक करते करते बेड पे। सधु, आर यू स्लीपिंग? यस। आर यू केयरिंग मी?
हम अच्छे लोग पार्क में इतना खेले आने के बाद में हमने यहाँ पे घर पे चाय बनाई है, गप्पे मारी है, पकौड़े बनाए थे। हाँ न्यू, उसका कहने का मतलब है कि व्हाट हाँ माय नीहू, उसकी नीहू आई थी और उसने बहुत मजे किए। उसका कहने का मतलब ये है और मैं आपको एक और चीज बताती हूँ, दोनों लड़ती भी है, इतनी प्यारी है। तो इन दोनों बच्चों ने इतना उधम किया ना आज, बहुत मजा आया। नीचे पार्क में दौड़ते रहे, कोई बॉल के पीछे भाग रहा है तो कोई घास तोड़ रहा है तो कोई फूल निकाल रहा है बार बार, और दोनों एक दूसरे को नोच भी रहे हैं, एक दूसरे को नो ए मतलब एक दूसरे को चीख भी रहे हैं, और बहुत मजा आया लेकिन आज। और कल हम लोग का कुछ स्पेशल प्लान है, अचानक में ऐसा प्लान बन जाता है, कुछ पहले से प्लानिंग नहीं होती है। बट सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पास में दोस्त होते हैं, मिलना मिलाना होता है, बच्चे लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है एक दूसरे से मिलके, तो इसीलिए मिल लेते हैं। और वैसे भी बच्चों का टाइम ना टीवी मोबाइल से अलग खेलने में निकलता है, बात करने में निकलता है, तो और अच्छा है। तो इसीलिए कल की वीडियो में मैं मिलूंगी आपसे, अभी मैं आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मैं मिलूंगी कल नई वीडियो के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो दिस वाज थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।